नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव, इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा में जो एससी कैटेगरी है और डीएससी जो डिप्राइड शेड्यूल कैटेगरी है उसके बारे हम बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ महीने पहले ऑर्डर दिया था कि एससी जो शेड्यूल कास्ट है उसमें सब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं। अब भारत में जो सबसे बड़ा सुप्रीम है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कोई सर्वेक्षण नहीं किया और पूरे इंडिया में भी सर्वेक्षण नहीं हुआ ये, लेकिन ये पंजाब सरकार की तरफ से एक केस था जिसमें ये कहा गया था कि इनमें किस तरह से क्या किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर में तब्दील कर दिया, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसके बाहर कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, ब्रीफ में हम बात करते हैं, ये 1932 में बाबा साहब ने कैटेगरी बनाई थी और जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है थी उस टाइम पे, 1919 में स्टार्ट हुई और एक लंबे टाइम के बाद ये एक लिस्ट बनी जिसमें सोशल इकोनॉमिक्स और अन्य आधार पर, एजुकेशन आधार पर ये देखा गया कि इस कैटेगरी में ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन अवस्था में हैं और अनटचेबल स्थिति में हैं। तो ये एक लिस्ट बनी, ना कि कास्ट बनी, जैसे स्टूल ट्राइब है। अब इसमें क्या है कि ये हैं तो इसमें रियल में कास्ट ही, लेकिन ये स्पेशल कास्ट नहीं थी जैसे कि जनरल कास्ट है। जनरल कास्ट में क्या है कि एक नहीं है, जैसे ब्राह्मण कास्ट है, जाट कास्ट है, अहीर कास्ट है, इस तरह से है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर में दिया तो हरियाणा सरकार ने अपनी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 17 अक्टूबर को 2024 को ही पास किया कि इसमें हम कैटेगरी बनाएंगे। और इसमें एक बड़ी बात ये हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सब कैटेगरी बनाने का, तो उसमें बहुजन समाज जो पार्टी है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इसने नेशनल स्तर पर एजिटेशन किया, इसके विरोध में एजिटेशन किया कि इस कैटेगरी को आप सब कैटराइज नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक शेड्यूल है। दूसरा, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो फैमिली है, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी, राजरतन अम्बेडकर जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला नहीं दे सकती है, ये सीधा सीधा उल्लंघन है 1932 के समझौते का, 1932 में जो पुनः पैक्ट हुआ है उसके समझौते का उल्लंघन है। और दूसरा, तीसरा ये है कि आप जो मुख्य धारा में जो लोग आना चाहते हैं उनको अधिक से अधिक बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये समाज तो वैसे ही बटा हुआ है, बहुत सारी कास्ट तो वैसे ही बटी हुई हैं, तो उस हिसाब से लोग सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। तो ये एक तीसरी बात थी। चौथी बात इसमें ये है कि इसमें जब से ये सब कैटेगरी बनी, बनने का चीज़ आई है, तो पूरे देश में इसके खिलाफ़ आंदोलन हुए हैं। और हरियाणा में, जैसे हम रहते हैं हरियाणा में, तो हम अपने आसपास और अपने सोशल मीडिया पे
YouTube जितना भी सोशल मीडिया जिस पे हम एक्सेस करते हैं, हमारी रीच जितनी है उतनी हमारी सोच भी बनती है। मेरा मानना है जितनी आप रीच करोगे इन्फॉर्मेशन को लेके, और जितनी रीच आप नहीं करोगे उतना ही आपकी सोच डाउन हो सकती है, अप हो सकती है। ये व्यक्ति विशेष की बात है, क्योंकि आप किन व्यक्तियों के आसपास रहते हो, किन व्यक्तियों के आसपास नहीं रहते हो, ये भी एक बड़ा मैटर करता है। तो अखबार जो है प्रेस रिलीज के बिहाफ पे उसको छापता है। वो सरकार जो है हमेशा अपना काम जो है, कोई भी सरकार रही हो, हमेशा अपना काम अच्छा ही बताती है, बुरा नहीं बताती है। और तीसरा चौथा इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मानना होगा, और सरकारें मान रही हैं। तो 17 अक्टूबर 2024 को नई जो गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार जो गवर्नमेंट आई है, उसमें जो मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी साहब, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है। तो इसमें हम दो तीन एपिसोड करेंगे कि इसमें किस तरह से हम इसको समझें। अब इसमें ये है कि भाई इसमें एससी की बात हो रही है, डिप्राइड क्लास की बात हो रही है, तो हम दूसरे लोग उसको क्यों सुने? ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी कास्ट का व्यक्ति हर कोई ना कोई काम करता है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव इश्यू हो गया है, तो इस पे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके हम दो तीन एपिसोड करेंगे। पहले एपिसोड में हमने ये बात की है, इसमें आगे हम अगर हम बढ़ें तो पहले ये जो हम एससी कास्ट देख लेते हैं, उसके बाद डीएससी पे आएंगे। एक्चुअली में हरियाणा में जो 37 कास्टें हैं, तो उसमें से एक कास्ट जो है चमार, जो कास्ट है चमार जो कास्ट है उसकी सब कैटेगरी हैं। इसमें से बहुत सारे दूसरे भी नाम, जैसे रविदासिया है ना, जटिया है, जटिया चमार है, रविदासी है ना। तो इसमें 9 टाइप की आती हैं सब चमार के साथ, तो वो केवल अब सेपरेट है। और कुछ उसमें जो जातियां हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास से एससी में आई हैं। अभी क्या है कि वो अदर बैकवर्ड और एससी कमीशन है हरियाणा सरकार में, उसको उसने लिस्ट पे अपलोड नहीं किया है, तो उसकी हम इतनी बात करेंगे। लेकिन उसमें अब एससी में जो चमार जो कम्युनिटी है और चमार की जो सब कैटेगरी है, जटिया और जटिया चमार और रविदासिया और रविदासिया चमार, तो इस टाइप की वो 9 है। तो यहाँ ये एससी में है। लेकिन क्या दूसरी ये है कि जो टोटल जो पॉपुलेशन है एससी में, जो हरियाणा में जो एससी में जो टोटल पॉपुलेशन है, इनके अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो कहती है वो 24,29,137 संख्या उसकी बताती है, 24,29,137 संख्या उसकी बताती है। तो उसमें पॉलिटिकल जो पार्टी हैं वो 30 लाख के आसपास उसको संख्या में बताते हैं। पॉलिटिकल जो पार्टी, जैसे मैंने पहले भी बात की इस बारे में, 30 लाख के हिसाब से जो संख्या है। तो यहाँ पे एससी में जो सबसे बड़ी जो जाति है वो चमार है। अब वो सेपरेट है, अलग है। अब जैसे जाट कम्युनिटी है हरियाणा में, तो जाट कम्युनिटी की जो संख्या है वो 22 और 24 के बीच में है, या कि 23.5 भी हो सकती है, 24 वो भी हो सकती है। तो जो जाट कम्युनिटी है उसी हिसाब से उनका सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें उसका रिप्रेजेंटेटिव है।
ये मुझे मिला है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से जो जारी किया गया है, तो इसमें हम जो जॉब है उसके हम पहले बात इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम केवल संख्या और कास्टों के नाम के बारे में बात कर रहे हैं बस इस एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में हम उसकी बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे। तो इसमें ये इनकी संख्या है। तो अब इसी में दूसरा क्या है कि इसमें अगर हम शेड्यूल डिप्रेस्ड क्लास शेड्यूल में आते हैं तो इसमें क्या है, डीएससी जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में ये स्टार्ट हो गया पिछले 3-4 साल, 2-3 3-4 साल से, जैसे हम एडमिशन करते हैं तो अलग डीएससी की कैटेगरी बनती है। तो अभी डीएससी कैटेगरी जॉब में भी आ जाएगी, इसका ये कहना है, इसका ये हम मान के चल रहे हैं, ये ऐसा होने जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा बवाल चल रहा है सोसाइटी में। तो इसमें जो एससी वाले जो लोग हैं, जो चमार कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, तो इस सब कैटेगराइजेशन का विरोध कर रहे हैं, ये एक बात है। और चमारों का पूरे हरियाणा में बाकी जो 37 कास्टें हैं, 37-37 कास्टें हैं, वो उसका विरोध कर रही हैं। तो हम ये देख लेते हैं, तो इसमें हम एक कास्ट देख लेते, नाम देख लेते हैं, क्योंकि नाम भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक अधर्मी जो कास्ट है, अधर्मी के बाद एक वाल्मीकि कास्ट है, वाल्मीकि के पास एक बंगाली कास्ट है, एक बटवाल एक कास्ट है डीएससी में, एक बरार एक कास्ट है, बाजीवर बाजीरिया भी एक कास्ट है, एक बाजीगर एक कास्ट है, एक बांगड़ा एक कास्ट है, एक चनाल एक कास्ट है, चनाल बहुत कम हमें सुनने में आता है चनाल, एक दांगी भी एक इसमें कास्ट है, एक डेरेन एक इसमें कास्ट है, एक डेहा आपने सुना होगा, डेहा इसमें कास्ट है, एक एक धानक जो है एक कास्ट है, एक है ढोंगरी इसमें कास्ट है, ढांगरी कहिए उसको या ढोंगरी कहिए इसको, सेगी ही इसका एक दूसरा तीसरा नाम है, एक कास्ट है डूम इसका कास्ट है, एक डूमा भी इसका कहिए आप, एक महारा भी इसको तीन उसमें देखते हैं, डूम को ही देखते हैं, एक गागरा भी एक इसमें कास्ट है, गांधीला भी इसमें कास्ट है, गांधिल भी इसमें कास्ट है, यानी कि दो एक एक ही नाम है, जुल्हाया इसमें कास्ट है, एक कबीरपंथी भी इसमें कास्ट है। जुल्हाया जो कास्ट है वो अदर बैकवर्ड क्लास में आती है, जो मुस्लिम का काम करते हैं। एक इसमें खटीक इसमें कास्ट है, एक कोरी उसमें कास्ट है, कोरी या कोली इसमें कास्ट है, मरिजिया इसमें कास्ट है, एक मजबी एक कास्ट है, एक मजबी सिख इसमें एक ही कास्ट है ये, या उसको आप मजबी कहिए या मजबी सिख उसको कहिए, एक ही कास्ट है, एक मेघ एक कास्ट है, एक मेघभाल एक कास्ट है। तो मेघ और मेघभाल इसमें कास्ट है, ठीक है। मेघभाल जो राजस्थान में जो चमारों के जो कास्ट है वो मेघभाल। तो यहाँ पे ये जो कास्ट है डीएससी में दी गई है, लेकिन जैसे एक दो दिन पहले मुझे पता चला कि जो मेघबाल है तो मेघबाल को डीएससी समाज के लोग एससी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये रेल में तो है ये चमारों की कास्ट, जैसे हम जैसे रेल का मेरा मतलब है कि राजस्थान में ये चमारों की है, तो यहाँ पे ये डीएससी में सरकार ने दी है, तो यहाँ अब इसको वो चेंज करवाना चाहते हैं। तो एक एक नट इसमें कास्ट है, एक बेदी इसमें कास्ट है, नट और बेदी दोनों एक ही कास्ट है, वो बेदी जो आप पीछे लगाते हैं वो इस सेंस में है, नट उसमें है, एक ओड उसमें कास्ट है, एक पासी उसमें कास्ट है, एक है पेरना इसमें कास्ट है, एक एक पेरना के साथ फेरना उसमें कास्ट है, इसी का रूप दूसरा रूप है, यानी कि कास्ट दूसरी है, एक सेंघी उसमें कास्ट है, एक सेनहाल उसमें कास्ट है, एक सांसी उसमें कास्ट है, तीनों अलग अलग कास्ट है, एक ससोई उसमें कास्ट है, एक सपेरा उसमें कास्ट है, एक सपेरा
सुपीरियर उसमें कास्ट है, एक सन सप्रेरा इसमें कास्ट है, एक सिकली गर उसमें कास्ट, सिकली गर, एक इसके साथ एक सिक्कर सिक्की बंद इसमें कास्ट है। तो इसमें ये 36 कास्टें हैं जिसको हम डिप्रेड क्लास कहते हैं, डिप्रेड शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कहते हैं, डिप्रेड क्लास कहते हैं इसमें, डिप्रेस शेड्यूल कास्ट क्लासेज इसमें हम उसको कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम बस इतनी ही बात करेंगे। अब इसका जो अगर हम परसेंटेज की बात इसमें वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो चमार कास्ट है हरियाणा में वो 12% है टोटल, जैसे हम 22% बोल रहे हैं तो वो 12% से 12-55 पे एक पेज चलता है सोशल मीडिया पे, चमार समाज हरियाणा, जैसे बहुत सारे जैसे जाट समाज हरियाणा, गुज्जर समाज हरियाणा, अहीर समाज उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से है ना पेज चलने स्टार्ट हो गए सोशल मीडिया पे। अगर कभी आप देखोगे तो आप सोचोगे कि मैं इस पे क्यों इंटरेस्ट देता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पढ़ता हूँ तो डेटा उसको ले लेता हूँ। और तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं इसी चीज़ का डेटा लेता हूँ, तो मैं बुक जब लिखता हूँ तो उस डाटा को उसी अनुसार मैं बातचीत करता हूँ। कुछ उससे सरकार ने अगर जो डाटा दिया है तो मैं सरकार का भी उसका विश्लेषण करता हूँ, ताकि जो फैक्ट है उसी हिसाब से लोगों को समझ में आए उस ड्यूरेशन तक। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि चमार समाज हरियाणा का एक पेज है, ये बोलते हैं कि 12.55%, यानी कि 13-12.5% से ज़्यादा हरियाणा में चमार संख्या। दूसरा इसमें जो वाल्मीकि जो कास्ट है वो 4.16% है, धानक जो समाज है, धानक जो जाति है 2.26% है इसमें, और जो है 0.50% है, बाजीगर 0.48% है, मजबी जो है 0.51% है, और जो खटीक है 0.26% है, और अन्य जो है वो 1.77% है। तो इसको हम इस नज़रिए से देख रहे हैं। तो आज हमने एससी और डीएससी के बारे में, संख्या उनके नामों के बारे में बातचीत की है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बात की है, और उसका विरोध क्यों है उसके बारे में भी बात हम ज़्यादा अगले एपिसोड में करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके जो परसेंटेज है दोबारा से करेंगे, और गवर्नमेंट जॉब में जो परसेंटेज है जो हरियाणा सरकार ने जो सूची जारी की है उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे सभी की, यानी कि उसमें एससी भी आता है और उसमें डीएससी जो क्लासेज है उसकी भी हम बात करेंगे, और जो समाज में एक दूसरे के प्रति भेदभाव की बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो गई है नेगेटिविटी, तो उस संदर्भ में वो क्यों है, उसका कैसे हम सॉल्यूशन करें और ये शांत सिस्टम हो। अगर ये डिवाइड हो गया है तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो वो अपने हिस्से के लिए लड़ाई लड़ेगा, और वो दूसरा जो कैंडिडेट है यानी कैटेगरी है वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेगा, यानी कि एक किसी कैंडिडेट को लड़ाई लड़ने की उसमें नीड नहीं होगी। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।